लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कहीं का नहीं रहा, जिन्होंने कर्जा दिया था वो जान के पीछे पड़े थे उसकी, और वो अपनी जान बचाने के लिए हमारे साथ हो लिया, मतलब काम करने लगा हमारे साथ। लेकिन वो तो मिस्टर बलवंत राय के लिए काम करते थे। आई नो बलवंत, मिस्टर बलवंत राय, हम दोनों ही साथ काम करते थे उसके लिए। अशोक का सारा कर्जा चुकाकर उसने खरीद लिया था उसे, और अशोक की कंपनी की आड़ में अपना धंधा फैलाने लगा। कैसा धंधा? मौत का धंधा, ड्रग्स, नशीली दवाइयों का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है बलवंत राय। यहीं इसी जगह उसका लाखों का माल जमा होता है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा भाई भी सच्चाई से घबराया करता था। बहुत हो गया, बस बलवंत राय, मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहता हूं, और फिर मैंने तुम्हारा कर्ज भी तो उतार दिया है। मेरी राय मानो बलवंत राय, तुम ये सब कुछ बंद कर दो। मेरी राय मानो अशोक, कुछ दिनों के लिए बाहर घूमाओ, और हाँ अशोक, वो पेटी कामरान को दे देना। मोहिले, कामरान से कहो कि वो फाइलें और कागजात जला दे। फिर कुछ दिनों के लिए वो कहीं चला गया। मुझसे बोला भाई से मिलने जा रहा हूं। हाँ, मुझसे मिलने आए थे वो, लेकिन क्या वो फिर तुमसे मिले नहीं? मिला एक दिन इसी जगह, फिर मिला इस जगह। और कोई जगह भी तो नहीं थी मिलने की, यही दुनिया थी हमारी, यहाँ के बादशाह थे हम। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं यहाँ बैठा था, वो वहां जहां तुम बैठे होगी। ए बकवास करता है जो, हाँ जो उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तू अजय को नहीं जानता, मेरा भाई जरूर आएगा। मैंने यहीं से कॉल बुक किया, मैं उसको बोलूंगा बेटा मैं बहुत परेशान हूं, मेरी परेशानी सुन के वो दौड़ के चला आएगा। अशोक बाबू, आपका कॉल लग गया है। देखा मेरा कॉल लग गया, अब मैं उसको बोलूंगा और फोन चलाएगा। हेलो, कौन? अजय बेटा, मैं अशोक बोल रहा हूँ, मैं बंबई से बोल रहा हूँ। देखो, हेलो, तू सुन रहा है ना बेटा, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है बेटा, मैं बहुत परेशान। अशोक को छोड़ दो। बताओ वो पेटी कहाँ है? नहीं बलवंत राय, वो कागजात तेरे गुनाहों के सबूत है, अब तेरे चेहरे से शराफत का मुखौटा बहुत जल्द उतर जाएगा। बस करो। अगर तो अशोक ने पेटी के बारे में बता दिया है तो मारा गया होगा, और अगर नहीं बताया है तो लटका होगा जिंदगी और मौत के बीच। चलो ले चलो मुझे कहा भैया के पास लेते हैं। चुपचाप खिसक चलते हैं यहाँ से। कौन है ये? मेरे भाई को तुम नहीं जानते, इसे इस जहन्नुम का मालिक है ये। तू नहीं जानता है मैं ऊपर आऊं? बलवंत राय का खास बहुत स्ट्रांग और डेंजर आदमी है। हाथ उठाता है। उस दिन ये भी था। आ जा नीचे, अब तेरे मुक्के का जवाब मैं दूंगा। आ जा,
चलो अपनी अपनी जगह से, इसकी मौत का तमाशा देखना। ताले का खून बहुत गर्म है ना, इसका खून अभी ठंडा करता हूं मैं। को समझ के रखा तुम लोगों ने? ये यही आपका कानून है? हिम्मत है तो जाइए, पकड़ लाइए बलवंत राय को। ऐसे किडनैप कर रखा मेरे भाई को। खाम खा किसी बड़े आदमी का नाम बीच में मत लो। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो आपके सामने उठा लेंगे, उठा लेंगे उस आदमी को। सबूत मिल जाएगी, उसकी लाश बैठ के पंचनामा करना, मेडल देगी सरकार आपको। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, हम पुलिस वाले झक मारती है पुलिस। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। Oh my foot, my foot, my foot। अंधेरी नगरी है ये, बस ऐसे गरीब कमजोर लोगों पर दिखा अपनी मर्दानगी। वर्दी का रोब इन्हीं के हाथों को बांध सकती है तुम्हारी हथकड़ियां, बलवंत राय के नहीं। जाकर दो महिला ना उनके सामने तलवे चाटना, बोटियां फेंकेंगे बोटियां। अच्छा कर रहे हो इंस्पेक्टर, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, बहुत तरक्की मिलेगी तुम्हें, मेडल्स मिलेंगे। अरे भाग कर कहां जा रहे हो? बात सुनो मेरे, I will drag you to the court, you gotta pay for this। प्रमोद शरण गुप्ता, जो हर तबके के लोगों की समस्याएं सुलझाता आ रहा है, जिसके पास बड़ी बड़ी कंपनीज, स्टेट और देश के मसले आते हैं, उसे अपने घर के मामले की खबर नहीं। अशोक गायब है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। आप दिल्ली में थे इसलिए मैंने सोचा कि। क्या सोचा तुमने? कोई केस क्या मेरे लिए बच्चों से बढ़कर है? फोन कर सकती थी तुम मुझे। अंकल भाभी ने तो कहा था लेकिन मैंने ही। आपने जरूरी नहीं समझा क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं, और कल रात ये जो आपने समझदारी पुलिस स्टेशन में दिखाई, ये आपको कानून के किस लपेटे में ले लेती इसका अंदाजा है आपको। अगर मैं यहां न होता तो ये बेचारी तुम्हारी जमानत के लिए कहां कहां हाथ पर मारती।
अंकल मैं आपको सब कुछ तो बता चुका हूँ। इंदु चाय ले आओ। लाई। अंकल आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? मैं सच कह रहा हूँ, बलवंत राय बहुत बड़ा स्मगलर है। भैया उनके कब्जे में है, उनकी जान को खतरा है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। अजय, नहीं तो... तुम उस शराबी की बातों पर यकीन करते हो जिसे तुम जानते तक नहीं हो, जबकि अशोक तो हमेशा बलवंत राय जी की तारीफ करता रहता है और उन्होंने कई बार अशोक की मदद भी की है। मदद की है, मदद क्या, वो तो एक साजिश थी भैया को जाल में फंसाने की। किसकी बातें कर रहे हो तुम? नहीं कुछ नहीं, देखो अजय, अशोक के लिए मैं कुछ कम परेशान नहीं हूँ, बेटा है मेरा, उसे तलाश करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मगर तुम जोश और जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे मामला उलझ जाए। मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा, अशोक जल्दी आ जाएगा। सबको देख लिया मैंने, सबको, वक्त पर कोई काम नहीं आता वर्षा। गुप्ता अंकल कहते हैं कमिश्नर से बात हो गई है, इंक्वायरी हो रही है, जांच कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस एक महीने से यही तमाशा देख रहा हूं मैं। पता नहीं भैया किस हाल में है, क्या बीत रही होगी उन पर। वर्षा मुझे उनकी चीखें सुनाई देती हैं, उन्हें मेरी जरूरत है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। बलवंत राय, हाँ मैं बलवंत राय से मिलूंगा अभी और भैया के बारे में सब जान के रहूंगा। नहीं नहीं अजय, मालूम नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है। मेरे ख्याल से तुम्हारा इस वक्त बलवंत राय से मिलना ठीक नहीं होगा, पहले गुप्ता जी से बात कर लो। मुझे किसी की जरूरत नहीं वर्षा, जो करना है खुद करूंगा। कम ऑन वर्षा, समझने की कोशिश करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना ख्याल रखूंगा। अजय, आई एम सो वरीड।